मैं कि यूएनएचआरसी के मुद्दे को लेकर के डीएमके ने सपोर्ट हाँ वापस ले लिया, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ अब बाहर से समर्थन देंगे, क्या ये कांग्रेस के लिए सेटबैक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये सब मजाक है और एक महीने के बाद सब वापस आ जाएंगे डीएमके वाले। ये सिर्फ क्योंकि वो डरते हैं कि जयललिता कहीं इनको नीचा ना दिखा दे, तो ये ड्रामा से हम प्रभावित नहीं है। है तो कहिए कि प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख दें, प्रेसिडेंट को तो नहीं चिट्ठी लिखा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट, कहते हैं बाहर से सपोर्ट करेंगे। इसका माने कि इनका मिनिस्टर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, सब वैसे भी मिनिस्टर नालायक हैं, तो चले जाएंगे तो कांग्रेस का बोझा कम हुआ है। इन इंग्लिश द डीएमके नाउ, आई एम नॉट सरप्राइज, दिस इज ऑल ड्रामा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विड्रॉइंग योर मिनिस्टर्स एंड सपोर्टिंग, इफ दे आर सीरियस दे शुड राइट टू द प्रेसिडेंट दैट वी हैव विड्रॉन सपोर्ट। This will tomorrow after one month they will come back, new circumstance, communalism को fight करना है, देश खतरा में है, these are useless symbols. I think Karunanidhi is scared of Jayalalitha and therefore he doesn't want to be left behind. That's why he will this create a pressure on UPA government? No pressure. That resolution of the Americans is a very good resolution. India should support it 100% and Sri Lanka should abstain in the vote.